मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है और हम लोगों ने चाय पी ली है। ये देखो हम लोग कपड़े कैसे डाल रखे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है। अभी इतनी बारिश हर जगह हो रही है फ्रेंड्स कि कपड़े इसी तरह सुखाने पड़ रहे हैं सबको। इसी तरह हम लोग काम चला रहे हैं। तो हम लोग आज इस ब्लॉग में मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसको हम लोग बिहार में घूंघा या ऐठा बोलते हैं, और इसे स्नेल मीट भी बोलते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। हमें तो बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके शहर में अगर ये मिले तो आप इस तरीके से इसको बनाइए। खाने में मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। और ये पानी के अंदर मिलती है और ये इसका स्कल्प होता है ऊपर से। तो हमें जो मार्केट में यहाँ मिलती है ये, तो स्कल्प निकाल के वो बेचते हैं, तो हमें आसानी होती है। हमें बस कुछ नहीं, उन्हें काट कर धोकर बनाना है। तो विदाउट स्कल्प वाला है ये। तो मैं कैसे बनाई हूँ चलिए आप लोग से शेयर करती हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे और अगर आपके शहर में ये मिल रही हो तो ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी। यहाँ मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये मार्केट में बिना स्कल्प के मिल जाती है। और इसको पंकज ने दो पीस कर दिया है, इसको बस दो पीस करना है। और गरम तेल में मैं यहाँ पे हल्दी और नमक के साथ इसको फ्राई कर रही हूँ। और गुन्नू को चूँकि घोंघा पसंद नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे मम्मी चिकन बना रही है एक तरफ, और यहाँ पे ये घोंघा का कलर चेंज हो रहा है। इसके मसाले में सभी खड़े गरम मसाले डालेंगे। यहाँ लहसुन खड़े, चार बड़े साइज़ के प्याज, और जितने भी गरम मसाले हम इसमें डालेंगे वो बिल्कुल खड़े होगा। और फाइनली इसमें लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी सभी कुछ है। और इसको बस बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, बस इसको थोड़ा दरदरा हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं आप, खड़ा लहसुन है, खड़ा गरम मसाला, और यहाँ पे ये तैयार हो गया है फ्राई होके। फ्राई होने के बाद मैं दिखाती हूँ, ये इस तरीके का होता है, बहुत लोग जान रहे होंगे, बहुत लोगों को ये बहुत पसंद आता है इसकी ग्रेवी वाली डिश। तो यहाँ पे ये बिल्कुल फ्राई होके रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे कुकर में तेल अच्छे से गरम कर देंगे। जब तेल इसमें अच्छे से गरम हो जाए तो हम अब इसमें सभी गरम मसाले, खड़े मसाले जो भी डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो तेज पत्ते के टुकड़े, थोड़ा सा जीरा, खड़े लहसुन, देखिए लहसुन भी हमने चॉप नहीं किया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें चार सूखी लाल मिर्च, खड़ी वाली डालेंगे, इससे थोड़ा तीखापन आता है तो अच्छा लगता है टेस्ट। और अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज भी देखिए बहुत ही पतली नहीं काटी है हमने, और इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, आप प्याज के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। अब जो जो मसाले मैं इसमें डालूंगी मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैं चूँकि सूखी लाल मिर्च भी डाली है, वो काफ़ी तीखी होती है, फिर भी मैं यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च
गोल मिर्च अमाउंट इसमें मैंने कम ऐड किया है, क्योंकि सूखी वाली भी है और पाउडर वाली भी है। यहाँ पे धनिया ज़्यादा 2 चम्मच के लगभग, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक तो हमने पहले ही ऐड कर लिया है, और 1 छोटी चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। मैंने MDH एवरेस्ट का जीरा पाउडर इसमें यूज़ किया है। तो और लहसुन के बिना तो हमारी कोई भी रेसिपी पूरी नहीं होती, तो यहाँ पे हमने खड़े लहसुन तो डाले हैं, साथ में थोड़े से लहसुन के पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया, लगभग बड़े चम्मच से 1 चम्मच। और यहाँ प्याज थोड़ा सा पक गया है, अब हम इसमें जो हमने स्नेल मीट को फ्राई करके रखा था, अब हम इसमें इसको डाल रहे हैं। और इसके साथ ही हम इसको अच्छे से चला लेंगे, और इसके बाद इसमें हम सारे मसाले डालेंगे कि मसाले अच्छे से इसमें रच बस जाए। बहुत लोग मसाले भून कर फिर उसमें ये घोंघा डालते हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा टाइट जैसा हो तो वो अच्छे से पक जाता है इससे। और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जिससे केवल 1 सीटी लगने तक इसको हम भून लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, और यहाँ हमने गरम मसाला, जो खड़े गरम मसाले थे उनको ऐड किया। और चूँकि मुझे लगा पानी कम है तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। अब हम इनको 2 से 3 सीटी आने तक सीटी लगा लेंगे, जिससे प्याज और घोंघा दोनों गल जाएंगे, पक जाएंगे। ये देखिए ये पक गया है बिल्कुल, और ये भुनने के बाद देखिए कम आंच पे आप भूनिए इनको, और ये गोल्डन भुनने तक कितना टेस्टी दिख रहा है, यम्मी लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से इसको इस भून लेंगे, और ग्रेवी आपका दिल करे तो आप ग्रेवी रखिए, हम लोग ऐसे ही इसे खाने में हमें टेस्टी लगता है। और अगर अच्छा लगा हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।